back. I'm live back again at Jinnah Stadium, Gujranwala, Johan Marhol Champions League 2021, brought to you by AAA Associates and Jio Super का fourth day चल रहा है और इस वक्त 11th match की second inning start होने वाली है. उससे पहले मैं आपको बता दी चलूं कि अभी तक just in 4 days 193 sixes हो चुके हैं and अभी तक most sixes जिन्होंने लगाए हैं वो हैं उसामा अली, छोटा विकी and बहादुर अली, all with 11 sixes each. इसके अलावा अब मोस्ट रन्स पे बात आ जाती है तो टॉप थ्री हमारे बैटर्स हैं. बहादुर अली हु इज टॉपिंग द चार्ट्स विद 92 रन्स, देन जस्ट अ लिटिल बिहाइंड इज उसामा अली विद 88 रन्स एंड जस्ट नॉट टू बैक इज तैमूर मिर्जा विद 81 रन्स. सो थैंक यू सो मच एंड बैक टू दानिश. बहुत शुक्रिया अमीशा इमरान आपका. और ये इंपॉर्टेंट सैच थे इस टूर्नामेंट के, 11-11 छक्के इंडिविजुअल लेवल पे हमने देखे हैं जुबैर, और बड़े रन्स भी लगे हैं. ऑल्दो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तैमूर मिर्जा टॉप थ्री में होंगे बट नहीं थे. वेलिंगटन जैगुआर्स को ये इंपॉर्टेंट मैच जीतने के लिए 90 रन चाहिए. वेलिंगटन जैगुआर्स के लिए जुबैर ये मैच इसलिए इंपॉर्टेंट है, दो मैचेस खेले हैं, एक जीता एक हारा है. आज जीतते हैं तो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, हार जाते हैं तो फिर दीगर टीमों की शिकस्त पर मैसर करेगा कि ये आगे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते. शुक्रिया दानिश, बड़ा बेहतरीन मुकाबला होने को जा रहा है माउंटेन रोनी लाइन वर्सेस वेलिंगटन जैगुआर्स के दरमियान. और आज सदांश अलैया का पहला ओवर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा माउंटेन रोनी लाइन के लिए, क्योंकि छोटा विकी ऑन फायर हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, रुकने का नाम नहीं ले रहे इस टूर्नामेंट में. और ये आज के हमारे दोनों अंपायर इस वक्त ग्राउंड में दाखिल हो चुके हैं. 90 के टारगेट है दानिश, क्या समझते हैं कि यहाँ पर किस तरह की बॉलिंग करनी चाहिए माउंटेन रोनी लाइन के बॉलर्स को? माउंटेन रोरिंग लायंस आज के इस मैच में ऑल आउट जाएंगे, उनके पास कोई और चारा भी नहीं है. अली नदीम से हमारी टॉस पर बात हो रही थी और मैंने उनसे पूछा कि बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी आपकी टीम से, बड़े डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे थे. टेप बॉल क्रिकेट है जुबैर, इसमें बड़े बड़े बुर्ज उलट जाते हैं और बड़े बड़े प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन छोटा विकी बड़ी इनिंग्स खेलते हुए नजर आए हमें इस टूर्नामेंट में. छोटा विकी छोटा पैकेट है और बड़ा धमाका है, साथ दे आज उनका साथ दे रहे हैं दाऊद पठान. कराची से इनका ताल्लुक है और आपका ताल्लुक भी कराची से ही है. जी बिल्कुल, सबसे अच्छी बात ही इसलिए की है कि पूरे पाकिस्तान का टैलेंट आपको यहाँ पर खेलता हुआ नज़र आ रहा है एक ही टीम में. मरी का लड़का भी है, कश्मीर का लड़का भी है, सिंध का लड़का भी है, तो इसी तरह हमारी क्रिकेट मज़ीद फ्लरिश कर सकती है जब ये लड़के क्वालिटी क्रिकेट आपस में खेलते हुए नज़र आएंगे. हम बिल्कुल दानिश, अमार खुल चैम्पियन लीग इसमें वही प्लेयर आया है जिसने साला साल परफॉर्म किया टेप बॉल की दुनिया में, और एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, कैमरा प्रेशर भी होता है तो मुश्किल होता है कैमरा के सामने परफॉर्म करना. एंड दिस रेजेस द बार एज वेल जुबैर, अब अगली बार जब ड्राफ्टिंग होगी तो एक्सपेक्टेशंस और भी ज़्यादा हाई होंगी. आपके सामने एक एग्जाम्पल होगा कि हमें इससे और भी अच्छे प्लेयर चाहिए, टीमें अपनी स्ट्रेंथ पर और ज़्यादा फोकस करेंगी. अब्दुल रहमान मारखुड़ चैंपियन लीग के लिए बड़ा इन्होंने काम किया और खिराज तहसीन के लायक हैं अब्दुल रहमान टेस्ट क्रिकेटर, हमारे पाकिस्तान की शान. छोटा विकी आज देखना होगा यहाँ पर, नाम इनका छोटा विकी और काम इनके बहुत बड़े बड़े. बिल्कुल, उनके सामने भी एक बहुत बड़ा नाम है सद्दाम शाह का और ये अच्छा कॉम्पिटिशन होगा. पहला बॉल सद्दाम शाह का, पलटे के बाद बॉल अंदर आया, बेहतरीन बॉल सद्दाम शाह का, लेग बाय की सूरत में रन यहाँ पर जरूर मिला है छोटा विकेट कंपनी को. अब आप नोट करें जुबैर, जो हवा चल रही थी दिन के टाइम पर अब थोड़ी सी कम हो गई है, वक्फे वक्फे से ब्रीज जरूर चल रही है लेकिन उस किस्म की हवा नहीं चल रही है जो इससे पहले थी. बिल्कुल दानिश, यहाँ पर देखना होगा मजीद बकिया पांच बॉल पर सद्दाम शाह किसी को निशाना बनाते हैं कि नहीं. इस दफा चेंज ऑफ पेस यहाँ पर, फील्डर यहाँ पर मौजूद हैं और मजीद एक रन का हो जाएगा इजाफा, तो दाऊद पठान ने भी अपना यहाँ पर खाता खोला है. अच्छा फील्डिंग एफर्ट था ये डीप में, कैचेस पकड़ना एक अलग बात है लेकिन फील्डिंग जो होती है ना वो टेप बॉल में घास पर इतनी आसान नहीं होती जुबैर, क्योंकि बॉल थोड़ा सा बम्पी आ रहा होता है आपकी तरफ, सीधा नहीं आता तो पूरी बॉडी पीछे ला कर कवर करना पड़ता है बॉल को. बिल्कुल दानिश, इस टूर्नामेंट में कैचेस काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुए हैं. बहुत उम्दा बॉल सद्दाम शाह, जो नाम है एतमाद का, चेंज ऑफ पेस और क्या लाजवाब बॉलिंग सद्दाम शाह की जानिब से.
बिल्कुल बड़ा नाम बनाया है सद्दाम शाह ने इसी किस्म की चलाकी करके, और इस बार भी आपने चलाकी देखी सद्दाम शाह की जानिब से। अग्रेसिव फ्रेम ऑफ माइंड में है छोटा विकी, जानते हैं छोटा विकी बड़े शॉट्स लगाने के माहिर हैं, इसीलिए उनको चकमा दे रहे हैं चेंज ऑफ पेस करके, चेंज ऑफ लेंथ करके। दोनों का तल्लुक जनूबी पंजाब से और एक दूसरे के साथ काफ़ी क्रिकेट खेलते हैं तो जानते हैं एक दूसरे के बारे में। राइट जी, मोस्ट रन स्कोरर्स आपके सामने। मीनवाइल छोटा विकी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर 5 पर हैं, बहादुर अली टॉप स्कोरर हैं। मीनवाइल कॉम बॉक्स में भी तब्दीली हो चुकी है, हमें इंटरनेशनल क्रिकेटर मुजाहिद जमशेद साहब ज्वाइन कर चुके हैं। हमने एक बड़ी खुशाइन चीज़ जो इस टूर्नामेंट में हमने देखी, तमाम टीम्स के साथ साबिक क्रिकेटर्स शामिल हैं, उनको मेंटोर कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मुजाहिद साहब, वेलिंगटन जैगुआर्स आपके साथ अच्छा खेल पेश कर रहे हैं। कल का मैच तो तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि बड़ा कंफर्टेबली विन किया था, बैटिंग में भी डोमिनेट किया, ख़ास तौर पे आखिरी ओवर में जो 34 रन बने उसने सारा मोमेंटम चेंज कर दिया। और जिस तरह वेलिंगटन ने बॉलिंग की, लगता ये तो बड़ी प्रोफेशनल टीम है, ये नहीं है कि वो मेरी टीम है तो उनकी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन दे प्लेड वेल। बिल्कुल, अगर हम बैलेंस की बात करें, टेप बॉल क्रिकेट में ज़्यादातर बल्लेबाज सब कर ले जाते हैं बॉलर्स पे, लेकिन वेलिंगटन जैगुआर्स में हमें अच्छा बैलेंस नज़र आता है बैट्समैन और बॉलर्स के बीच में, और किसी भी टीम के लिए ये बड़ा सक्सेस फैक्टर होता है मुजाहिद। बिल्कुल, डेफिनेटली जब आप कोई भी टीम अच्छा कर रही होती है बॉलिंग और बैटिंग में, तो फिर वो रोल मॉडल बन जाती दूसरों के लिए कि जी उस तरह खेलें जिस तरह ये टीम खेल रही है, तो ये अच्छा साइन होता है, कहीं ना कहीं तो आपको सीखने को मिलता है किसी ना किसी टीम से, तो वो वेलिंगटन आई थिंक। मीनवाइल सद्दाम शाह इंतहाई तेज़ गेंद कर रहे हैं लेकिन अपनी लाइन पर काबू नहीं रख पाए, थोड़ा सा डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हुए नजर आए, और 5 रन मिलेंगे यहां पर वेलिंगटन जैगुआर्स को। हाउ स्पेशल हैज छोटा विकी बिन, वकास ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया है, ना सिर्फ स्लॉक करते हुए नजर आते हैं बल्कि कन्वेंशनल शॉट भी खेलते हैं, अच्छे पक्के क्रिकेटर हैं। बहुत पक्का लगता है, पहली दफ़ा मेरी मुलाकात हुई, आप इसका बैलेंस देखें कितना ज़बरदस्त है। नॉर्मली आप अक्कड़ बक्कड़ शॉटें मारते हैं लेकिन इसने थ्रू द लाइन शॉट्स खेली और बड़ी पावर है इनकी शॉट्स में, बड़ा इंप्रेस किया इन्होंने मुझे। राइट, सद्दाम ना आखिरी मोमेंट पर अपनी फील्ड थोड़ी सी सेट करते हुए ऐसा चाहते हैं कि फाइन लेग से फील्डर थर्ड मैन की जानिब आए। राइट, ही इज हैप्पी नाउ, लेट्स गेट ऑन विद इट। इस बार जोरदार स्लैश करना चाहते थे छोटा विकी, बट एक बार फिर चलाकी का मुजाहरा किया सद्दाम शाह ने, ब्रिलियंट बॉलिंग परफॉर्मेंस है। ओवरथ्रो का एक और रन भी मिलेगा, वापस आएंगे छोटा विकी। ये देखिए कोई भी क्रिकेट हो, चाहे वो टेप बॉल हो चाहे वो हार्ड बॉल क्रिकेट हो, अगर रनिंग बिटवीन द विकेट देखें तो बहुत इंप्रेसिव है, तो हर वक्त आपकी बॉल पे नज़र होना ज़रूरी है। फिर आपका जो भागना है उसमें जो ब्रेकेज होती है, उसमें ब्रेकें लगती हैं, उसको मेंटेन रखना और वेल बैलेंस रखना, ये भी चीज़ सीखने को बहुत ज़्यादा मिल रही है यहाँ पर। मुजाहिद जमशेद, वी बीन टॉकिंग अबाउट दिस सिंस डे वन, कितनी इंपॉर्टेंस है कि ये टेप बॉल क्रिकेटर्स जिनकी बेसिक्स पर, बेसिक टेक्निक्स पर काम नहीं हुआ हुआ, वो इन टूर्नामेंट्स में आए तो इन चीज़ों पर काम हो, ताकि वो नेक्स्ट लेवल पर जाएं तो फिर इतनी मुश्किल ना हो जितनी मुश्किल हमारे प्लेयर्स को होती है अमूमन। बिल्कुल, एक चीज़ तो दानिश तय है कि एक तो जो फियर ऑफ आउट है वो नहीं है, क्योंकि आप स्टंप्स के आगे आ जाते हैं, आप अगर क्रॉस भी खेलें टांग पे लगे तो आउट नहीं है, तो वो जो फियर है जब आप क्रिकेट में अगर जाएं तो वो फियर जो है ना वो आपको कैरी करना पड़ता है, और उस फियर की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो ये सबसे पहले तो ये चीज़ है कि यहाँ पर आउट नॉट आउट है, और यही बहुत बड़ा फर्क आई थिंक। राइट, आफ्टर 1 इट्स 12 विदाउट लॉस। और
और ये बहुत बड़ा फ़र्क है। आई थिंक अगर कोई टेप बॉल से भी कोई सीखना चाहे, कोई टीवी पे लाइव मैच देख रहे हैं, तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि आप भागते कैसे हैं, किस तरह आपने अपने जो जो पार्टनर है उसके साथ जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल वो किस तरह रखना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो बहुत सी बड़ी टॉप क्लास टीम है जो एक प्लेयर्स की दूसरे प्लेयर की इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि एक दूसरे की गेम को भी समझते हैं। तो ये चीज़ें देखने को नज़र आईं कि एक दूसरे की गेम को भी समझते हैं और जहाँ उन्हें लगता है कि यहाँ पे मेरे से पावर हिटिंग नहीं हो रही तो अपने पार्टनर को चांस देता है कि जी आप इस पर चांस लें। आपके एक्सपीरियंस का ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे मुजाहिद जमशेद दा। टेप बॉल क्रिकेट हर क्रिकेटर ने खेली है, जो भी एस्पायरिंग क्रिकेटर है उसकी पहली मेरे ख्याल से जो बॉल उसको मिलती है वो टेप बॉल ही होती है। वो पहला बल्ला जब थामता है तो वो टेप बॉल का ही होता है। एक इन स्विंगिंग फुल लेंथ डिलीवरी थी अमीर हमज़ा की। अमीर हमज़ा ने भी इस पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है। बट वैन वी टॉक अबाउट स्किल्स, बहुत सारे हमारे प्लेयर्स ने पहले टेप बॉल क्रिकेट खेली, फिर वो हार्ड बॉल क्रिकेट में आए। मॉडर्न टाइम्स की अगर हम बात करें, लड़कों को मौका मिल रहा है, टेप बॉल से उनको स्पॉट किया जा रहा है और वो मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, सेकंड लेवल पर बहुत जल्दी आ रहे हैं, ये भी अच्छा साइन है। बिल्कुल, यहाँ पे तो आपको ये बात भी ज़रूर करनी चाहिए कि इंटरनेशनल जो आपके कमेंटेटर हैं और इवन के जो आपके कोचेज हैं PSL में, उनको भी पता चल चुका है और बार बार अपने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अपने मुल्कों में जाके ये बात करते हैं कि वहाँ पे टेप बॉल क्रिकेट से कितने प्लेयर्स निकल रहे हैं। और ये हिडन टैलेंट है जिसको मैं थिंक के लाहौर कलंदर ने स्टार्ट किया था और अभी तक वो कैरी ऑन है। डेफिनेटली वो ये भी टूर्नामेंट मॉनिटर कर रहे होंगे कि कोई ना कोई हमें प्रोडक्ट मिले। राइट, छोटा विकी की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इस वक्त आप देख रहे हैं। वी विल टॉक अबाउट लाइव एक्शन हियर और हम लाइव एक्शन पर मुजाहिद जमशेद का एक्सपर्ट ओपिनियन भी शामिल करेंगे। मीनवाइल छोटा विकी उस फ्री फ्लोइंग अंदाज में नज़र नहीं आए हैं, काफ़ी कैद करके रखा हुआ है इनको। हाँ, इस बार अपना रनअप भूल गए थे। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है मुजाहिद इस किस्म के सिनेरियो में, और एक मैच्योर प्लेयर वही होता है जो दबे ना पांच डॉट बॉल्स, अगर उन्होंने पांच बॉलों पे तीन रन बनाए तो परेशान ना हो, उसको अपने एबिलिटी पर यकीन होना चाहिए। बिल्कुल, अगर कल की बात करें जो वेलिंगटन ने मैच खेला, पहले तीन ओवर में गेम से बाहर हो गए थे, फिर तीन ओवर ऐसे मोमेंटम बनाए, 104 रन कर दिए और जिस तरह फिर उन्होंने आगे बॉलिंग में, तो जो प्रेशर है, प्रेशर आना और प्रेशर को हैंडल करना, वो चीज़ें भी हमें नज़र आ रही हैं यहाँ पे। ब्रिलियंट इन स्विंगिंग डिलीवरी दिस टाइम अराउंड बाय अमीर हमज़ा, शानदार लेंथ पर बॉल की और अंदर की तरफ काटी। आपने बहुत सारे बॉलर्स को मुजाहिद जमशेद इस टूर्नामेंट में अपनी रिस्क का इस्तेमाल करते देखा है और आखिरी मोमेंट पर रिस्क से जर्क मारकर या तो इन स्विंग करते हैं या तो आउट स्विंग करते हैं, ये भी बड़ी क्वालिटी है। बड़ी क्वालिटी है और ये आसान चीज़ें नहीं होती कि आप पेस में भी उसी जगह पे बॉल करें और जब आप स्लोअर रन करें तो उसी स्पॉट पे करें जहाँ पे बैट्समैन को कन्फ्यूजन होती है। तो ये चीज़ें इन्होंने लर्न की हैं और जितनी भी आने वाली प्रोडक्ट है इन चीज़ों से बहुत कुछ सीख सकती है। छोटा विकी इस बार हाथ खोलने में कामयाब हुए, विट फराम की थी उनको अमीर हमज़ा ने, लेकिन सिर्फ दो रन ही मिल पाएंगे। एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद, अच्छी बॉलिंग का मजा आ रहा है इस वक्त रोलिंग लाइन। यही प्रॉब्लम है बेसिकली, यही जो शॉट मारा यही प्रॉब्लम थी हैदर अली में, जो मैंने कहा था मुझे दो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। परफॉर्मेंस लेना आना चाहिए, हैदर अली की प्रॉब्लम है कि फ्रंट लेग जो क्लियर करके इधर चले जाए और जो बॉल है आंखों से दूर चला जाता है, जिसकी वजह से उसको सिर्फ हाथों से आगे जाना पड़ता है, उसकी बॉडी ट्रांसफ़र नहीं होती, जिसकी वजह से अभी तक वो स्ट्रगल कर रहे हैं और टीम से बाहर होने की वजह भी वो बनी। स्पीकिंग अबाउट द फील्ड प्लेसमेंट हियर, अगर आप टेप बॉल क्रिकेट को देखें अमूमन आपको पॉइंट पर, गली पर या इवन थर्ड मैन पर प्लेयर नज़र नहीं आएगा, इस वक्त भी सूरत हाल कुछ यही है। तो ये तो टेलर मेड बॉल थी कि आप उसको पॉइंट की जानब खेल सकते थे, चार हासिल कर सकते थे। बिल्कुल, अगर आप क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बिल्कुल आपने सही बात की दानिश, बड़ा खूबसूरत छक्का और ये आगे गिरा दानिश के हाथों में, बहुत खूबसूरत शॉट एक्स्ट्रा मिड ऑफ के ऊपर से, बहुत ऊंचा छक्का वकास सिक्की का। सिक्स नंबर 194 ब्रॉट टू यू बाय AAA एसोसिएट्स। मैं तो पहले दिन से ताक में हूं मुजाहिद जमशेद कि कोई कैच मेरे हाथ में आ जाए, बट कोई इधर चली जाती है, कोई ग्राउंड से बाहर चली जाती है। नहीं, ये बड़ा अच्छा आपने अटेम्प्ट किया, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा दूर था, लेकिन ये है कि बड़ा खूबसूरत शॉट थ्रू द लाइन मिड ऑफ के ऊपर के तरफ से सीधा पवेलियन एंड की तरफ, बड़ा अच्छा शॉट विकी का। अमीर हमज़ा वंस अगेन, और इस बार फुल टॉस डिलीवरी थी बट पेस काफ़ी ज़्यादा थी, सही तरह कनेक्ट नहीं कर पाए छोटा विकी इसको, लेकिन एक रन ज़रूर मिल पाएगा। आफ्टर टू इट्स 22
फॉर नन। आज हमने इस हवा का भी बड़ा रोल देखा है आज के मैच में, खासतौर पर जो पहला मैच हुआ था। बड़ा अच्छा बॉल, अगर देखें पीछे किया, थोड़ा सा रुक के बॉल आया, घूम चुके हुए थे विक्की। यही वो चीज़ें हैं जिस जो कि अगर आप टीवी पे बैठे मैच देख रहे हैं तो आप उन चीज़ों से ये देखें। बॉल नीचे था, बल्ला ऊपर से घुमा दिया, लगता यही था कि उस जो उसने आइडिया लगाया था कि शोल्डर हाइट से ऊपर जाएगा, लेकिन बॉल पहले ही डिप कर गया। बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे छोटा विक्की के पहली ओवर की गेंद था, वो स्लो बॉल करेंगे, पेस एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसी वजह से डिसीव हुए। और नो बॉल की आवाज़ सुनी है हमने सर्वर भट्टी की जानिब से, इस दौरान चार भी मिला है। अच्छा प्रेशर रिलीज हुआ है ये वेलिंगटन जैगुआर्स, बहुत आइडियली चौका मिला इस वक्त। देखें एक बॉल अगर छक्का लगता तो एक बॉल पे 10 रन मिल जाए तो ये बड़ी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि प्रेशर दोबारा बॉलर्स पे चला जाएगा। पहला बॉल डॉट होने से प्रेशर बैट्समैन पे आया, अगले ही बॉल पे नो बॉल करने से सारा प्रेशर बॉलर पे चला गया। तो ये वो प्रेशर्स होते हैं जो हर वक्त कप्तान या जो अंदर बैटिंग कर रहा होता है या बॉलिंग कर रहा होता है या इवन के जो कैप्टेंसी कर रहा होता है, ये सारे प्रेशर उनको उसी तरह लेके चलने पड़ते हैं जिस तरह का मैच का मोमेंटम बना होता है, सिचुएशन डिमांड कर रही होती है। तो ये बड़ा गुड साइन है कि ये क्रिकेट के साथ साथ गेम सेंस को भी डेवलप कर रहे हैं। राइट, देखते हैं इस एक गेंद पर कितने रन्स बनते हैं। 5 रन्स तो ऑलरेडी आ चुके हैं, फ्री हिट एक और अभी इनके पास मौजूद है। छोटा विक्की को भरपूर फ़ायदा उठाना होगा इस फ्री हिट का। हमजा क्या करेंगे, और फुल टॉस डिलीवरी थी, इट वाज अ क्विक वन, सीधी गई स्क्वायर लेग की जानिब, ऑल ही कुड गेट वाज वन रन। अगर दानिश अगर आप गौर करो, अभी बॉल पहुंचा नहीं था लेकिन उसका जंप पहले था कि उसे पता था कि ये बॉल यहाँ पे पिच होके कितना बाउंस होगा। तो ये वो सारी चीज़ें जो गेम सेंस में आती हैं, मैच सेंस में, इन चीज़ों में आती हैं कि इसका मतलब आपका माइंड बहुत घूमता है। शायद एक और चीज़ की इसकी तारीफ़ करनी पड़ेगी, एंड वी मेकिंग श्योर कि हम एक स्टैंडर्ड सेट करें। अंपायरिंग का स्टैंडर्ड भी बड़ा अच्छा रहा है, काफ़ी स्ट्रिक्ट कॉल्स हुई हैं बॉलर्स के अगेंस्ट। इस वक्त दाऊद पठान क्रीज पर मौजूद हैं और खुश भी नज़र नहीं आया हमें बॉलिंग साइड या बैटिंग साइड, लेकिन यही डिसिप्लिन इनको सिखाना है हमने। बिल्कुल डेफिनेटली यही चीज़ें हैं जो बेसिकली इनको लाइव लाने का मकसद ये है कि आप लाइव जब होते हो तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, आपको प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखना पड़ता है कि आप जब लाइव टीवी पे आते हैं तो जो रिस्पेक्ट होती है और स्पिरिट ऑफ द गेम है उसको आपको बरकरार रखना है। जैसे अंपायर्स की अगर आप बात करें तो बड़ी आउटस्टैंडिंग अभी तक इन्होंने अंपायरिंग की है, इतना क्योंकि अगर देखें बैट्समैन टोटली ऑफ स्टंप के वायर आगे बैटिंग कर रहा होता है तो जो उनकी एक हैबिट बन चुकी थी या उनकी जो मसल्स मेमोरी होती है उनको चेंज करना ऑल ऑफ सडन, ये भी इनके लिए बड़ा मुश्किल टास्क होता है। तो उनको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। कितनी मजे की बात है कि क्रीज पर भी इस वक्त दो अलग अलग स्टाइल्स के प्लेयर मौजूद हैं। छोटा विक्की बहुत कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते हुए नज़र आते हैं लेकिन साथ साथ स्लॉग भी करते हैं। दूसरी जानिब दाऊद पठान है जो एक टिपिकल टेप बॉल के प्लेयर हैं, उनका स्टांस भी, उनके शॉट भी। ये आपने बड़ी एक्सीलेंट बात की है कि जो विक्की और उसमें फ़र्क है। बेसिकली अगर आप देखें तो विक्की जो है शॉर्ट थ्रू द लाइन खेलता है, अगर ऑफ स्टंप पे है तो उधर खेलता है, अगर टांग पे है तो उधर खेलता है। अगर बात करें आप दाऊद की तो दाऊद वन डायमेंशन प्लेयर है, सिर्फ एक ही शॉट आता है मिड विकेट खींचना। यही हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स की भी प्रॉब्लम है कि वन डायमेंशन प्लेयर्स बन चुके हैं, जिसकी वजह से जहाँ पे थोड़ा सा बाउंस सीम होता है तो वहाँ पे स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं। राइट, वी विल कीप टॉकिंग अबाउट दिस मैच, फॉर नाउ वी मूविंग टुवर्ड्स द साइडलाइन जहाँ मौजूद है मीशा इमरान। Thank you so much, Danish. So I'm here back live again at Triple A Associates presents Marhod Champions League 2021. और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद मोहसिन, हु इज़ द ओनर ऑफ ईगल्स आई, इस्माइल 1122 ईगल्स आई। इनसे थोड़ी सी बात करते हैं और पूछते हैं कि इस नाम के पीछे क्या बैकग्राउंड स्टोरी है। जी कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। उमरी भाई कौन सा गेम लेना है? ईगल्स आई स्माइल 1122 के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। उमरी भाई जी इस्माइल 11 भाई जो है ना ये एक जिस तरह के 11 भाई रेस्क्यू 1122 है वही है, लेकिन मैं अपने इलाके में जो है ना अपने वालिद साहब के नाम से ये जो है ना बनाकर बिल्डिंग दी है गवर्नमेंट को। बिल्कुल, तो आपका पूरा
फैमिली की एक टीम है, बड़ा अच्छा ये हमें इमोशनल, क्योंकि एक मारफोर चैंपियंस लीग हम लोग भी सब एक फैमिली की तरह है, या हमारे पास जितनी टीम थे हम सब एक फैमिली की तरह, बहुत अच्छा यहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है। ये बताएं आपका अगला मैच है ईगल्स आएगा, क्या लगता है क्वालिफाई कर लेंगे? इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह असी अच्छा खेलेंगे तो फिर इंशाल्लाह अगे जावांगे, नहीं तो इस तो पहले जो है ना हमारा थोड़ा जा लो अपना एक मैच हम खेल चुके हैं वो। आज ये बताएगा, आज थोड़ा सा मौसम गुजराला का डिफरेंट है, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा, लेकिन हवा फिर भी चल रही है, तो ये बताएगा क्योंकि टेप बॉल में हवा का बहुत। एंड देयर गोज अनदर सिक्स, इज दैट ओ इज दैट अ सिक्स, ओ नो दैट्स अ विकेट। तो यहाँ पे एक आउट हो गया है। बैक टू चौधरी मोहम्मद मोहसिन जी, बताइएगा कि आज हवा का काफ़ी रुझान होगा, तो आपको क्या लगता है आज बैटिंग में ज़्यादा हाई स्कोरिंग रन्स होंगे? जी, हवा के साथ जो है ना रनर्स की जो है ना वो मकदार कम हो जाती है, इसलिए होती है कि जिस तरफ। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट कर दूँ कि अभी आउट का डिसीशन जो है फाइनल नहीं है, थर्ड एम्पायर के पास इस वक्त डिसीशन गया हुआ है। जी, बैक टू यू। अच्छा, ये हवा का जो अपना रुख है, जिधर को रुख होगा ना उधर को बाल जाएगी, तो सिक्स भी लगेगा, चार भी होगा, और अगर दूसरी तरफ कौन सी स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे? ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम तो स्ट्रैटेजी इस तरह की बनाई हुई है कि आज जो है ना कम अज कम स्कोर पे अगर हम पहले कितना, अगर आप लोग बैटिंग करते हैं तो कितना आप लोग स्कोर, आप लोग का क्या टारगेट है? 100 से प्लस, और अगर बॉलिंग करते तो कितने पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे? हम 60 से नीचे आउट करने की कोशिश करेंगे, फिर हम आगे जा सकते हैं। 60 से नीचे अभी तक कोई इतना नहीं हुआ है कि 60 से नीचे, बट थैंक यू सो मच, वी होप कि आपकी टीम के लिए बेस्ट हो। एंड बैक टू द कमेंट्स बॉक्स। राइट, मीशा इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। मीनवाइल थर्ड अंपायर को रेफरल गया है कि फील्डर का पैर टकराया है या नहीं टकराया, इट्स अ वेरी क्लोज कॉल, और मुश्ताक नजीर का फैसला आउट। द फाइनल कॉल बिलोंग्स टू द अंपायर। फाइनल डिसीजन जो है, अंपायर इज अथॉरिटी इनसाइड। इस वक्त विक्की पे बड़ा मैच डिपेंड करता था, तो इसको थोड़ा सा टाइम लेके मेरे ख्याल में फिर डिसीजन लेना चाहिए था, लेकिन वही बात है कि फाइनल अथॉरिटीज आर द अंपायर्स। बिल्कुल, होपफुली नेक्स्ट ईयर से हमारे पास साइड स्कर्ट्स भी होंगी। इफ स्पॉन्सर्स आर वाचिंग आउट देयर, यू कैन स्पॉन्सर साइड स्कर्ट्स फॉर दिस टूर्नामेंट। नहीं, आई विल डेफिनेटली, मुझे बड़ा लेट पता चला, वरना ये चीज़ें मैं डेफिनेटली इनको स्पॉन्सर जरूर करवा देता, क्योंकि दैट वाज नॉट अ बिग इशू। लेट्स utilize this time and talk about this effort. Mujahid, bahut kamal kaam kiya hai Markhor Champions League ki intizamiya ne isko organize karane mein, drafting karayi gayi, ek ek cheez ka khayal rakha gaya. Dekhiye, koi bhi cricketer jab kuch organize karata hai na, to is kisam ka product aapko nazar aata hai. Bilkul, dekhiye, jab aap is tarah ka environment dekhte hain, jo bacche ya jo bhi maa baap cricket dekh rahe hote hain, unko bhi एक अच्छी फील आती है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर है, वो भी बड़े बड़े ग्राउंड्स में जाके बड़े बड़े इवेंट्स में खेलेंगे। तो ये इवेंट्स जिस तरह का ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिस तरह की अनथक मेहनत की गई, और एक बड़ा प्लस पॉइंट था कि जो इसको ऑर्गेनाइज़ करने वाले थे वो प्योर क्रिकेटर्स है, और उन्होंने हर वो प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखा मेरा ख्याल है कि ये टूर्नामेंट रिक्वायर्ड कर रहा था। तो वेल डन रहमान, खलील, हसन रज़ा, इन सबको बहुत क्रेडिट जाता है, और जो भी इनके साथ रिलेट लोग हैं, तो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया टूर्नामेंट। इरफान, नए आने वाले बैट्समैन, इज अ राइट हैंड बैट, हमजा का सामना करेंगे, हु इज बॉलिंग एक्सेप्शनली वेल हियर। जब आप विद द विंड बॉल करते हैं तो थोड़ा सा, क्योंकि बॉल थोड़ा सा लाइट होता है तो हवा उसको खींच के ले जाती है, तो वो जो एक सडन आपकी टाइमिंग होती है उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, जिसकी वजह से अभी देखा हमने विक्की को कि वो ऑलमोस्ट अगर इस तरफ होता तो यहाँ हमारे पास आता, लेकिन क्योंकि हवा इस तरफ जा रही है तो बॉल हवा में खड़ा हो गया। राइट, आफ्टर 3 इट्स 33 for 1, और इसके साथ साथ कॉम बॉक्स में भी तब्दीली होगी, और आपको ज्वाइन करेंगे आसिफ और जुबैर अब्बासी। बहुत शुक्रिया दानिश अनीस, और इंटरनेशनल क्रिकेटर मुजाहिद जमशेद जो कि वेलिंगटन जैगवर्स के मेंटोर भी हैं, वो इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में थे। अब 3 ओवर्स का खेल बाकी है, अमीर हमजा बॉलिंग जारी रखेंगे, और मुझे कमेंट्री बॉक्स में ज्वाइन किया है जुबैर अब्बासी ने। वेलकम जुबैर। शुक्रिया आसिफ। मैच इस वक्त हाथ में है माउंटेन रोनी लाइन के, बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की है, बिल्कुल बांध के रखा है, 33 पर एक विकेट गिर चुकी है।
इस बार फुल टॉस बॉल इसे खेल दिया फाइन लेग की जाने और बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर चार रन के लिए। ये छोटा विकी जो आउट होकर गए हैं जी बिल्कुल अमीर हमजा ने इम्प्रेस किया है अपनी बॉलिंग से। ये देखिए योकर लेंथ डिलीवरी करना चाहते थे एग्जीक्यूशन ठीक ना थी और ये फाइन लेग की जानिब गई बॉल चार रन के लिए। सो इस ओवर का आगाज एक बाउंड्री से हुआ है। अमीर हमजा अपने पिछले ओवर जो उन्होंने पिछला ओवर किया था बड़ा बेहतरीन ओवर किया था अमीर हमजा ने कोई मौका नहीं दिया उस ओवर में छोटा विकेट को। वंस अबाउट टाइम इस दफ़ा पेस के साथ बॉल किया एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेला फील्डर यहाँ पर मौजूद हैं उमरी सरगोदा बॉल को थ्रो करेंगे इस दौरान मजीद एक रन का हो जाएगा इजाफा। आसिफ आज काफ़ी एनर्जेटिक टीम दिखाई दी है माउंटेन रोलिंग लाइन की टीम आज उनमें पैशन दिखाई दिया आज उनमें जीत की लगन दिखाई दी। जी बिल्कुल ये आपने ठीक कहा आज आखिरी मैच है ऑलमोस्ट ये टूर्नामेंट से आउट हो चुकी है टीम और लेकिन अब 52 रन दरकार हैं 16 गेंदों पर और अब तक अच्छी क्रिकेट खेली है इस मैच में। अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर गए थे पहले दो मैचेस में परफॉर्म नहीं कर पाए दो की टीम बहुत अच्छी है इनकी। 16 बॉल 52 बाकी इस दफा दाऊद पठान ने शॉट खेला है मिड विकेट की जाने फील्डर यहाँ पर मौजूद हैं। दाऊद पठान का बल्ला खामोश है कराची से इनका तल्लुक है और टेप बॉल के हाई प्रोफाइल बल्लेबाजों में शुमार होता है। कर्नल जाहिद आज से अगर 3 से 4 साल पहले की बात की जाए तन तनहा इन्होंने मैच जितवाया था इसी तरह की सिचुएशन थी कर्नल जाहिद के खिलाफ इन्होंने वन मैन आर्मी शो करके अपनी टीम को मैच जितवाया था। तो आज बड़ी स्टेज है कैमरा प्रेशर भी है तो थोड़ा मुश्किलात से दो चार हैं दाऊद पठान और बैट्समैन इस वक्त बैट चेंज कर रहे हैं। देखना यह है क्योंकि अमूमी तौर पर देखा जाता है कि बिल्कुल ही लाइट वेट बैट यूज़ किया जाता है। ये कमेंट्री बॉक्स के साथ वाला जो पोर्शन है ये उसका हिस्सा था। 51 रन्स दरकार हैं 15 गेंदों पर अमीर हमजा क्विक डिलीवरीज कर रहे हैं और लाइन मिस करते हैं तब भी बैट्समैन उसको रीड नहीं कर पा रहे। बिल्कुल दानिश यहाँ पर उमदा बॉलिंग अमीर हमजा की जानिब से इस बार फुल टॉस बॉल इसे खेल दिया बाउंड्री लाइन से बाहर डीप मिड विकेट की बाउंड्री को इस दफा निशाना बनाया था और गलती कर बैठे अमीर हमजा कड़ाकेदार छक्का। ट्रिपल एसोसिएट्स प्रेजेंट्स दिस मैक्सिमम फुल टॉस डिलीवरी और इसको डिस्पैच कर दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए और इस दफा फुल टॉस को पिक कर लिया। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते अमीर हमजा होम ग्राउंड है इनका गुजरावाला से ताल्लुक है इनका भी तराज कद के मालिक है। अब दो गेंदे बाकी हैं इस ओवर की और इस दफा इसको जोरदार तरीके से खेलना चाहते थे पूरा बल्ला घुमाया लेकिन गेंद बाहरी किनारा लेते हुए फाइन लेग की जानिब गई एक रन बना। सो क्विक डिलीवरीज यहाँ तारीफ करना बनता है अमीर हमजा की क्या लाजवाब बॉलिंग आज के दिन पेस दिखाया है और जान लगा रहे हैं यहाँ पर अमीर हमजा आज खुद को साबित किया उन्होंने कि किस में कितना है दम। अमीर हमजा जिनका ताल्लुक गुजरांवाला से है और इसी शहर के हैं अब अपने ओवर की आखिरी गेंद करेंगे दाऊद पठान बिल्कुल मुस्तनद होकर तैयार खड़े हैं। बहुत क्विक डिलीवरी यकीनी तौर पर नो बॉल होगी और अली नदीम जो कि विकेट कीपर हैं कैप्टन हैं ये बिल्कुल भी खुश नहीं हैं इस एफर्ट से कि अगर वो सिर्फ अपनी लाइन के ऊपर कॉन्सनट्रेट करें पेस को छोड़ दें तो इस वक्त मैच उनके हाथों में है इस तरह की गलतियां करेंगे तो मैच गंवा सकते हैं। और ये रिप्ले दाऊद पठान आसिफ इस बॉल पर आप होते तो क्या करते। मैं यकीनी तौर पर अपने आप को बचाता जिस तरह से दाऊद पठान
और ये अब्दुल रज़ाक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान की शान हैं और इस वक्त वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उनके साथ नसीम राजपूत खड़े हैं, सैयद आसिफ राजू को आप देख सकते हैं उनके साथ हैं और अब्दुल रज़ाक ने पाकिस्तान को सर्व किया और अपना एक्शन मिस कर गए। और जिस तरह से अब्दुल रज़ाक ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और फिर पाकिस्तान के लिए खेले, आज मौका है, आज इन यंगस्टर्स के दरमियान मौजूद हैं, ट्रिपल ए एसोसिएट्स प्रेजेंट्स मार्कोर चैंपियंस लीग में आए हैं, सो आज यकीनी तौर पर इन नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और टेप बॉल क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा दिन है, पाकिस्तान की तारीख में बहुत ही बड़ा दिन। इस दफा उबदा शॉट और इस बॉल को दिखाया है बाउंड्री का रास्ता, बुलंदों वाला छक्का यहां पर मिड विकेट की जानिब, देर आई दुरुस्त आई, आखिरी बॉल पर फिर गलती कर बैठे। टूर्नामेंट सिक्स इज 196, सिक्स ब्रॉट यू बाय ट्रिपल ए एसोसिएट्स। ये रिप्ले, कमाल का शॉट, अपने घुटने को पिच के ऊपर रखा और लाजवाब यहां पर एलिवेशन थी। आप बता रहे थे कि ड्राफ्टिंग में हर प्लेयर, हर टीम ये कोशिश कर रही थी कि वो सद्दाम शाह को पिक करें, सद्दाम शाह, दाऊद पठान और आउटसाइड द ऑफ स्टंप थे, रन आउट ना हो जाएं और अपील की है इस वक्त, देखना होगा, देखना होगा अंपायर, और इसी असना में दो रन ले लिए और अंपायर का इशारा वाइड और अंपायर ने इसको वाइड डिक्लेयर किया है और ये रिप्ले देखिए अगर, और ये यहाँ पर लगता है कि ये आउट हो गए हैं, ऐसा लगता है कि ये ऐसा लगता है इस वक्त के बैट्समैन को वापस जाना होगा। दाऊद पठान डगआउट में वापस जा चुके हैं, दूसरे बैट्समैन आ चुके हैं, इसके बाद किस चीज़ की डिस्कशन जारी है ये एक मुझे तो समझ नहीं आ रही। एनीवेज यहाँ पर देखना बाकी है, दोनों अंपायर इस वक्त मशवरा कर रहे हैं और ये वो रिप्ले, दाऊद पठान काफी दूर थे, ये सारे खिलाड़ी इस वक्त जो हैं वो अपने बिल्कुल ही ग्राउंड के वस्त में मौजूद हैं और अमीर हमजा 35 रन जो हैं वो अब बनाने हैं, ये देख सकते हैं आप, इस बहुत ही और ये वाइट डिलीवरी डिक्लेयर की थी अंपायर ने, जी हाँ वाइट डिलीवरी इसको डिक्लेयर किया है। सो एक विकेट तो हासिल हो गई और इम्पोर्टेंट विकेट, की विकेट मिली है यहाँ पर दाऊद पठान की सूरत में, दाऊद पठान मुश्किलात में डाल सकते थे सद्दाम शाह को। कलीम मुल्तानी, मुल्तान से इनका ताल्लुक है, जनूबी पंजाब मुल्तान से और टेप बॉल की दुनिया में, टेप बॉल की दुनिया का जाना पहचाना नाम है सद्दाम शाह। इस दफा बहुत उमदा बॉल, इसे खेल दिया फाइन लेग की जानिब और बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। एक वक्त ऐसा, एक वक्त पे ऐसा लगा था कि बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगी लेकिन मोमेंटम के साथ जाती गई। जी बिल्कुल, और इस वक्त दानिश अनीस बाउंड्री लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर ऑलराउंडर स्टार ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक के साथ। ओवर टू दानिश। के आसिफ और ज़ुबैर अब्बासी आपका बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है, दुनिया क्रिकेट के मायनाज ऑलराउंडर, एक्स टेस्ट क्रिकेटर और साथ साथ सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी हैं अब्दुल रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया है। रज़ाक भाई बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आए और लोगों को अब्दुल रज़ाक को देखने का मौका मिला। सर आइकॉन है हमारे, अच्छा लग रहा है गुजरा वाला आके? बहुत ज़बरदस्त, और जिस तरह का ऑर्गेनाइज़ किया जियो सुपर ने, वेरी इम्प्रेसिव,
और लग ही नहीं रहा कि ये कोई टेबल का टूर्नामेंट हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई इंटरनेशनल मैच हो रहा है। बिल्कुल, वेलिंगटन जैगुआर्स की इस वक्त चेस जारी है, 59 रन बना लिए हैं 2 विकेटों के नुकसान पर और अब 10 गेंदों पर 31 रन दरकार हैं वेलिंगटन जैगुआर्स को। रजाक भाई, अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट स्ट्रक्चर की बात करें तो मेरे ख्याल से हर बच्चे की पहली बॉल टेप बॉल ही होती है, उसने पहले टेप बॉल खेली होती है फिर वो सीख सीख के हार्ड बॉल में आता है, आपके साथ भी ऐसे ही हुआ था? डेफिनेटली, देखिए ये बेस होती है और पैशन जो है क्रिकेट का टेप बॉल से शुरू होता है, टेप बॉल से फिर टेनिस बॉल भी होता है और एक ऐसा बॉल होता है जो शायद आपको ना पता हो, होता टेनिस बॉल है तो उसकी वो जो उसकी ऊपर से स्किन होती है उसको उतार के उसको बिल्कुल गंजा कर दिया, रबर बॉल, हाँ वो उसको पानी में भिगो के फिर उससे साथ हम सीमर पे खेलते हैं, वो स्विंग भी करता है तेज़ भी आता है तो वहाँ पे आपकी बेसिक जो है ना सेट होती है। मॉडर्न डे क्रिकेट की अगर हम बात करें अब्दुल रजाक, तो टेप बॉल से भी अब क्रिकेटर्स मिलना शुरू हो गए हैं हार्ड बॉल के लिए, PSL में हमने देखा है कुछ लड़के आए हैं जिनको टेप बॉल से स्पॉट किया गया, कितना ज़रूरी होता है कि हम ग्रास रूट लेवल पर फोकस करें ताकि वो बच्चे जो क्रिकेट छोड़ चुके हैं 19-20 साल के बाद वो भी वापस आ जाएँ, शायद कोई स्पॉट हो जाए, शायद कोई ऐसा हीरा था जो गुम हो गया था? डेफिनेटली, देखिए क्रिकेट तो वो सेम ही है पर ये कि जो क्वालिटी क्रिकेट है वो हार्ड बॉल है, पर आपकी बेसिक आपकी अच्छी हो टेप बॉल से, आपकी बैट स्विंग, आपकी फुट मूवमेंट, आपकी आई ऑन दी बॉल, क्योंकि बॉल तेज़ आता है, बॉल स्विंग भी करता है, तो सारी बेसिक आपकी वहाँ से सेट होती है, फिर आप उसको इम्प्लाई करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में हार्ड बॉल में। तो ये है कि मैं समझता हूँ जितने भी यंगस्टर हैं जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं उनको टेप बॉल लाजमी खेलनी चाहिए, वंस वो सेटल इन जब हार्ड बॉल में आ जाए तो फिर नहीं खेलनी चाहिए। ठीक है जी, राइट नाउ वेलिंगटन जैगुआर्स चेस कर रहे हैं 90 रन का टारगेट और फ्री हिट मिली है उनको, 61 रन ऑलरेडी बना चुके हैं, काफ़ी नुकसान हो सकता है इस वक्त रोलिंग लायंस को इस फ्री हिट का, क्योंकि यहाँ पर अगर छक्का या चौका लग जाता है तो और ज़्यादा बैक फुट पर चले जाएगी रोलिंग लायंस की टीम। लेट्स नॉट फॉरगेट, रोलिंग लायंस आज प्राइड के लिए खेल रहे हैं, वेलिंगटन जैगुआर्स एलिमिनेटर्स में जगह के लिए खेल रहे हैं। रजाक भाई, आज से 10-15 साल पहले शायद हम में से किसी ने भी सोचा होगा कि टेप बॉल क्रिकेट ऐसे बड़े ग्राउंड में हो रही होगी और उसको दुनिया भर में देखा जा रहा होगा और टेलीविज़न पर नज़र आ रही होगी, बहुत बड़ा मार्का है। नहीं, बहुत ज़बरदस्त और ये बड़ी अच्छी बात है और मैं समझता हूँ कि प्रमोशन ऑफ क्रिकेट के लिए जो भी ऐसे कदम हो वो उठाने चाहिए और जैसे जिन्होंने भी ये स्पॉन्सरशिप दी है और स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत ही अच्छा वेल ऑर्गेनाइज किया है और जियो सुपर का फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने लाइव इसको कवरेज दी है, तो ये प्रमोशन जो है मैं समझता हूँ बड़ी ज़बरदस्त है। माशाल्लाह से पाकिस्तान में नौजवान क्रिकेटर्स की कमी नहीं है, अब्दुल रज़ाक का एक बहुत बड़ा नाम था पाकिस्तान का और अब हम अब्दुल रज़ाक के बेटे को भी इंशाल्लाह क्रिकेट खेलते हुए देखेंगे। आपके बेटे की क्या प्रोग्रेस चल रही है, क्योंकि आज से 1.5 साल पहले हमने जब आपका इंटरव्यू किया था तो आप उसको ट्रेन कर रहे थे, वो नेट्स कर रहे थे, अब कहाँ तक पहुँच गए साहब, ज़्यादा ज़रा अपडेट दे दें हमें ताकि हम 1-2 साल में एक्सपेक्ट करें उनको भी। जी, अली रज़ाक है और अभी उन्होंने जूम की जो है अंडर-19 का ट्रायल दिए हैं, उसमें उनको सिलेक्शन हो गई है और बिल्कुल मेरिट पर सिलेक्शन हुई है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है 17 साल एज है उसकी और उनके बाद फिर 2 साल उनके पास हैं, अगर 1 साल में अच्छी तरह मेहनत होती है, पूरी प्रॉपर क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अपनी बॉडी को फिट करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि PSL में भी वो नज़र आएंगे। ठीक है, अपने बाबा जानी की तरह ऑलराउंडर हैं या बैट्समैन हैं, क्या करते हैं? ऑलराउंडर हैं और बैटिंग ऑलराउंडर है, उनकी वो जो प्रेफर करते हैं। आप जैसे हैं या आपसे बेहतर हैं? ये मुश्किल सवाल है, हर दौर में टैलेंट होता है और जो अब आज के दौर में टैलेंट चल रहा है आपको पता है, जो आज से 20 साल पहले टैलेंट था वो भी आपको पता है। बिल्कुल, अब्दुल रज़ाक आप यहाँ पर आए हैं गुजरांवाला में, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं, जितने भी नौजवान बच्चे हमें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, चाहे वो टेप बॉल खेलते हैं, हार्ड बॉल खेलते हैं, 10 ओवर की क्रिकेट खेलते हैं, 20 की खेलते हैं, 40 की खेलते हैं, 50 खेलते हैं, क्या करना चाहिए एक नौजवान क्रिकेटर को, एक 12 से 18 साल के लड़के को अपनी गेम बेहतर करने के लिए, फोकस लाने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो पैशन जो है ना, वो जज्बा, वो बिल्ड करना पड़ेगा और आपको जैसे कहते हैं ना कि इस गेम के साथ इश्क होना चाहिए आपको और उसके लिए आपको क्रिकेट के मैचेस देखने पड़ेंगे, उसके बाद फिर आपको फिज़िकली ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। फिज़िकली ट्रेनिंग का ये फ़ायदा होता है कि जो हिडन टैलेंट होता है आपके अंदर वो बाहर आता है, आप में कॉन्फिडेंस आता है, आपको एक ना वे मिलता है कि यार मैंने फ़िट होना है और आपको नज़र आता है जब आप फिट होते हैं तो जो मैच में जाते हैं तो आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, आप मैच भी खेलते हैं, 50 भी करते हैं, 5 विकेटें भी लेते हैं, 50 ओवर फील्डिंग भी करते हैं पर थकते नहीं आप, तो ये जो चीज़ है ना ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो अपना शौक़ रखें, मैचेस भी देखें
और उसके साथ क्रिकेट भी खेलते हैं। राइट, अरफान बिल्कुल खुश नहीं है इस वक्त, उन्होंने भी एक बॉल मिस किया, इट वेंट ओवर हिज हेड और वो वाइड मांग रहे थे। ये अदा भी हमने टेप बॉल में देखी, बहुत सारी अदाएं देखी हैं हमने इस टूर्नामेंट में। वाइड होता है, प्लेयर बोलता है अंपायर वाइड है, हर ओवर के बाद हमने मीटिंग भी होती हुई देखी है, हर बॉल मिस करने के बाद अब्दुल रजाक हमने बॉल को चेंज होता हुआ भी देखा है। तो ये सारी चीज़ें आप भी देख देखते आए होंगे अपने करियर में। देखिए टेप बॉल में ये चल जाती है, पर फिर भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए और जो फैसला अंपायर का हो उसको मानना चाहिए, चाहे वो गलत हो या ठीक हो। क्योंकि यहाँ पे इस लेवल पे ये देखा गया कि अगर अंपायर से गलती हो जाती है तो वो मैच रुक जाता है और अंपायर को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, पर यहीं से आपकी बिल्डिंग होती है। तो यहाँ पे जो डिसीजन अंपायर का हो वो उनको मानना चाहिए। पर मैं ये भी कहता हूँ, जो मुझे मेकअप भी करना चाहिए था थोड़ा सा। नहीं, आप वैसे ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो मसला नहीं है, कुछ गुजरा वाले की बात हो जाए तो मज़ा आ जाए। अब्दुल रजाक का लाहौर कुछ ही घंटों के घंटे के फासले में, खैर 45-50 मिनट लगते हैं, आपकी गाड़ी में तो 40 मिनट लगते होंगे। नहीं, डेफिनेटली मेरा सारा बचपन गुजरा में गुजरा है जी, और जो स्कूल की छुट्टियाँ होती थी चौथी क्लास से लेकर दसवीं तक। तो जब भी आपने पहलवानों वाले डोले छोले बना लिए थे? नहीं, ऐसी नहीं बात, ये कि फिट होना चाहिए, ये डोले नहीं बनाने चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी और पावर मसल्स में होनी चाहिए। जैसे मैग्रा आपके पास है, वो इतना मोटा नहीं था पर उसकी स्पीड देख लें, ब्रैटल की देख लें, वो इतना मोटा नहीं था पर उसकी स्पीड चेक कर लें। तो ये चीज़ें डेवलप करनी चाहिए। गुजरांवाला लाने का मकसद ये था कि माशाल्लाह से खाने पीने का आपको बड़ा शौक़ है, एक एथलीट को अपनी डाइट का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। फ़िलहाल हम डाइट को साइड पर रख के सोचते हैं, खाने बड़े मज़ेदार हैं यहाँ के, और क्या खालिस दूध मिलता है। देखिए यहाँ की सौगात है स्वीट और पूड़ी, हलवा पूड़ी, ये यहाँ की सौगात है। अगर आप सही जगह स्पॉट पे जाके आप खाएंगे तो आप वाकई कहेंगे कि वो एक तो आपको इरिटेट नहीं करती है, जब आप खाते हैं तो आपको फील नहीं होता कि ऑयल आपने खाया, और स्वीट इसकी बड़ी अच्छी है, और चिड़े यहाँ के बड़े मशहूर हैं, और पाए तो लोग खाते ही खाते हैं, पर ये कि यहाँ पे हर चीज़ जो है ना मज़ेदार। रिसेंटली अब्दुल रजाक आप पाकिस्तान टूर पे भी थे और आप सिलेक्शन कर रहे थे मुख्तलिफ टीम्स की, ये सफ़र अभी तक आपका कैसा रहा है? काफ़ी हार्ड वर्क है और बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है कि आपने लड़कों को स्पॉट करना है, टैलेंट को निकालना है, और फिर आपको एक फ़ख्र भी महसूस होता है जब आप उन लड़कों को पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए देखते हैं या आगे जाते हुए देखते हैं। देखें दानिश भाई, वेरी फ्रैंक, और बड़ा दिल दुखता है जिनको आप सेलेक्ट नहीं करते, तो उनको बड़ा दिल दुखता है मेरा यार, मैं अब्दुल रजाक खड़ा हूँ और मैं सेक्शन कर रहा हूँ जिनको जिनका नाम नहीं मैं लिख रहा, उनके लिए भी मेरी हमदर्दी है। तो उनको मैं बकायदा एक लेक्चर भी देता हूँ कि आपने डिसार्ड नहीं होना, ये आपकी बिगनिंग है ट्रायल से, ये नहीं कि अगर ड्रॉप होते हैं तो आप टीम से बाहर हो जाएंगे या आप बिल्कुल क्रिकेट छोड़ दें, डिसार्ड नहीं होना आपने, क्योंकि ये क्रिकेट ऐसी है, यहाँ पर आपको काफ़ी मौके ऐसे आते हैं जब दिल करता है क्रिकेट छोड़ दो। तो जो भी यंगस्टर सुन रहे हैं, कभी भी नेवर गिव अप, अगर अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया है, अगर आपको बिलीव है अपने टैलेंट पे, तो अपनी मेहनत पे, तो आप एक दिन लाजमी पाकिस्तान की तरफ से खेलिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीनवाइल एक इंपॉर्टेंट मोड़ है इस मैच का, 5 गेंदों पर 20 रन दरकार थे, अब 4 गेंदें रह गई हैं और इस बॉल पर 2 रन आ गए हैं, तो अब 4 गेंदों पर 18 रन दरकार है। इनफैक्ट तीसरा रन भी ले लिया है, मिस फील्ड का फायदा उठाकर यहाँ पर वेलिंगटन जैगुआर्स ने अच्छी प्रेजेंस ऑफ माइंड का मुजाहरा कर रहे हैं। वेलिंगटन जैगुआर्स के दोनों बल्लेबाज इस वक्त अब 4 गेंदों पर 17 रन दरकार हैं। अगर हम कन्वेंशनल क्रिकेट की बात करें, हार्ड बॉल क्रिकेट में बड़ा मुश्किल हो जाता है 4 ओवर में 17 रन आना, शायद T20 में भी कभी कभार बन जाते हो, लेकिन टेप बॉल में बनते रहते हैं अब्दुल रजाक। टेप बॉल में मैं समझता हूँ 4 चोलों पे 24 रन भी हो जाते हैं, क्योंकि ये क्रिकेट ऐसी है, यहाँ पे 17 रन 2 छक्कों की बात है, अगर 2 छक्के मारते हैं तो ये मैच जीत सकते हैं। दिल ललचाता है जब भी क्रिकेट हो रही होती है, मुझे पता है आपकी आंखों में नजर आ जाता है मुझे कि मेरा भी दिल कर रहा है खेलने का, कर रहा है दिल खेलने का। डेफिनेटली देखें, जहाँ क्रिकेट होगी, हमने सारी उम्र ये क्रिकेट खेली है और इसी जो सुनारी इसी से गुजर के गए हैं हम, तो मैं कभी भी इस चीज़ को हेजिटेट नहीं करता, कहीं भी आना जाना हो, इवन के मैं अभी उकाड़ा का विज़िट किया है तो वहाँ गाँव में मैंने जाके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की है, तो क्रिकेट की प्रमोशन के लिए जहाँ भी जरूरत होती है हम हाजिर होते हैं। और यहाँ पर एक और विकेट गिर गई है वेलिंगटन जैगुआर्स की, बड़ा धचका लगा है वेलिंगटन जैगुआर्स को यहाँ पर, इसलिए नहीं क्योंकि विकेट गिरी है, इसलिए क्योंकि ये डॉट बॉल हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट डॉट बॉल थी, क्योंकि अब 3 गेंदों पर 17 रन दरकार है, यानी कि 3 छक्के चाहिए वेलिंगटन जैगुआर्स को ये मैच जीतने के लिए। लेट मी रिमाइंड यू व्हाट्स एट स्टेक, वेलिंगटन जैगुआर्स अगर ये मैच जीतते हैं तो एलिमिनेटर्स में जगह बना पाएंगे, अगर हार जाते हैं तो फिर दीगर टीमों की शिकस्त के बाद इनको मौका
मौका मिलेगा. सो एवरीथिंग टू प्ले फॉर. अब्दुल रजाक, बड़े कांटेदार मुकाबले हमने यहाँ पर देखे हैं और एंड मोमेंट्स पर आखिरी ओवर में दो दो तीन तीन छक्के भी लगते हुए देखे हैं. आप भी इंजॉय कर रहे होंगे आई एम श्योर जियो सुपर की स्क्रीन पर ये मैचेस. नहीं डेफिनेटली देखें, यहीं से क्रिकेट आपको यहाँ हर चीज़ मोमेंटम मिलता है जो इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है. आप मैच हार भी रहते हैं, मैच जीत भी रहते हैं, तीन बॉल में भी 17 चाहिए, इंटरनेशनल में भी ऐसी सिचुएशन आती है और चार बॉलों में 20 भी हुआ है और बेन स्टोक को पड़े थे. तो ये क्रिकेट में आपको हर एनवायरनमेंट से गुजरना पड़ता है, प्रेशर भी होता है और लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं. आपको लूजिंग मनी का भी होता है कि जी लूजिंग मनी हो रही है, अगर हारेंगे तो आपकी मेहनत की होती है, मैच हार जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें यहीं से डेवलप होती हैं, तो फिर आप इंटरनेशनल में जाके इंप्लीमेंट करते हैं. अब्दुल रजाक, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए भी और सर यहाँ आने के लिए भी और इन बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए. थैंक यू जानिश भाई, थैंक यू. राइट जी, मैच आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है. इस वक्त आउटसाइड एज लगा है, बॉल तेजी से जा रहा है थर्ड मैन बाउंड्री की जाने पर. एक डाइविंग एफर्ट अली नदीम का, इनफैक्ट अली नदीम ही थे, डाइविंग एफर्ट लगाकर उन्होंने और जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा है इस वक्त रोरिंग लायंस की जानिब से. रोरिंग लायंस काफी खामोश लायंस बने रहे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, जिससे पहले दो मैच हारे भी, लेकिन आज तीसरे मैच में द गियर इज अप. वी विल गो बैक टू द कॉम बॉक्स. ओवर टू यू. क्या आसिफ, बहुत शुक्रिया दानिश अनीस. दानिश अनीस बात कर रहे थे अब्दुल रजाक से और इसी दौरान आप देख सकते हैं मैच जो है वो इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गया है. अली नदीम की इस एफर्ट को जितनी भी दाद दी जाए कम. वाओ, एक्सेलेंट पीस ऑफ फील्डिंग. ऐसी फील्डिंग, ये एफर्ट हमें इस टूर्नामेंट में देखने को नहीं मिली. ये चेक किया जा रहा है थर्ड अंपायर की जानिब और ऐसा लगता है कि ये बाउंड्री हो जाएगी और देखना ये और हम थर्ड अंपायर का इशारा होगा और ये चार रन्स हो जाएंगे और अब दो गेंदों पर देखना है कि कितने रन दरकार हैं. दो गेंदों पर 13 रन दरकार हैं जुबैर. तो वाले 13 बाकी. अभी बैट्समैन जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं बादशाह, उनकी आवाज आई कि इस बॉल पर आप छक्का लगाइए, आखिरी पे भी लगेगा. तो ये स्पिरिट होता है. क्या बात है, दो बाले 13 बाकी जी, मैच का फैसला होने को जा रहा है. क्या माउंटेन रोरिंग लाइन सुपर ओवर देख रहे हैं आसिफ. जी हाँ, दो गेंदे 13 रन, दिलों की धड़कने बढ़ती हुई वेलिंगटन जैगुअर्स को अब 13 रन दरकार. जी हाँ, हियर वी गो. और इस दफा इसको कनेक्ट कर दिया है, शानदार बुलंदों वाला छक्का, कड़ाकेदार छक्का यहाँ पर, जबरदस्त शॉट. एक बॉल 7 बाकी. आसिफ आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ. Triple A Associates presents this maximum. Look at this. Wow. Perfect time kiya. Aur ball jaate jaate goodbye kar rahi hai. Shandar chakka. Ji haan, dilon ko tham lijiye. Kya aapko Javed Miadad ka chakka yaad hoga? Aakhri gend par kya aapko Brathwaite ka chakke yaad honge jo Ben Stokes ko lagaye the jiska tazkira kiya tha Abdul Razak ne. Here we go. और बीट कर दिया. तो इस तरह ये पहली कामयाबी हासिल की है माउंटेन रोरिंग लायंस ने. क्या शानदार और दिलचस्प मैच देखने को मिला है यहाँ पर और बहुत बहुत मुबारक हो यहाँ पर माउंटेन रोरिंग लायंस की टीम को. बड़ी अच्छी एफर्ट बैटिंग साइड की तरफ से, दाद देना पड़ेगी यहाँ पर छोटा विकी एंड कंपनी को. बहुत जबरदस्त मुकाबला किया उन्होंने, लेकिन एट द एंड और ये आखिरी वो बॉल रिप्ले, बहुत अच्छा बॉल किया था, बहुत ही अच्छी लाइन लेंथ, हार्ड लेंथ थी यहाँ पर. इस बॉल को पिक करना मुश्किल था बैट्समैन के लिए, समझदारी के साथ बॉल. और ये पैशन देख सकते हैं आप, अली नदीम का काफ़ी खुश होंगे आज, उनके दिल को तसल्ली ज़रूर मिली होगी. और अली नदीम इस वक्त अंपायर्स के साथ डिस्कशन जारी रखे हुए दोनों, और यही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा है जिसका तस्कर अब्दुल रजाक कर रहे थे. आपको सीखना होगा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना होगा. टारगेट 93 था, अगर ये छक्का लग जाता तो मैच सुपर ओवर पर जा सकता था और अब तक इस टूर्नामेंट में कोई भी मैच सुपर ओवर तक नहीं गया है. और ये है माउंटेन रोरिंग लाइन्स की टीम. जुबैर आपको भी मुबारक हो. थैंक यू सो मच आसिफ, और बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते. और ये वेलिंगटन जैगुअर्स की बैटिंग देखिए, अरफान ने सबसे ज़्यादा 38 रन बनाए 12 गेंदों पर, छोटा विकी ने 19 रन बनाए, उनसे उम्मीदें थी और एक्स्ट्रास 14 थे. अब 83 रन बना सकी टीम 6 ओवर्स में. और ये रोरिंग लाइन का बॉलिंग कार्ड सदाम शाह,
आज दाद देना बनता है। क्या कमाल की परफॉर्मेंस यहाँ पर सदाम शाह की तरफ से, दो ओवर में सिर्फ 10 रन दिए, 5 की इकोनॉमी। अमीर हमजा दो ओवर थोड़े से एक्सपेंसिव साबित हुए, लेकिन बहरहाल कदरे बेहतर बॉलिंग थी आज अमीर हमजा की जानिब से। हमजा नदीम एक ओवर 9 रन दिए, 1 विकेट हासिल की, और हुसैन असगर आखिरी बॉल तक मैच को लेके गए, 1 ओवर 19 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। ये मैच समरी है, रोरिंग लाइन्स ने पहले बैटिंग की, 6 ओवर्स में 89 रन बनाए, 3 विकेट्स के नुकसान पर। उस्मान जान ने 39 रन बनाए थे, माजिद ने 2 विकेट्स हासिल की थी, वेलिंगटन जैकवज ने 6 ओवर्स में 83 रन बनाए, 3 विकेट्स के नुकसान पर। अरफान नॉट आउट रहे 38 पर, और हमजा नदीम ने 9 रन देकर 1 विकेट हासिल की। सो रोरिंग लाइन ने ये मैच जीत लिया है 6 रन से, ये उनकी पहली विक्ट्री थी।